कैसरगिले मैं काशी रोड से बस्ती पंचायत से आया हूँ। बस्ती पंचायत में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, अक्सर ख़राब हो जाता है। हर 3 दिन 4 दिन के बाद ट्यूबवेल ख़राब होता है। हमें 1,000, 1,500, 2,000 रुपये की टैंकी पे बहुत मजबूर होते हैं। वो छोटी छोटी गली है, उसमें बड़ा टैंकर भी नहीं आता। छोटी टैंकी आती है वो 500 से 800 रुपये लेती है, उसमें से 2 हमाम भरे जाते हैं और फिल्टर लगा हुआ है एक अरसे से, कभी ना उसकी सफाई हुई है ना वो स्टार्ट हुआ है। ये ठीक है, उनको तो प्रॉफिट मिल रही है, सही है, आगे तक गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, ठीक है, कमीशन। हर ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कहती है पानी की किल्लत है ट्यूबवेल की, उनके प्राइवेट कैसे चल रहे हैं ट्यूबवेल्स, वहाँ वो पानी कहाँ से ला रहे हैं? उनके ना बोरिंग ख़राब होते हैं ना उनकी फिल्टर ख़राब हो रहे चल रहे हैं। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अपील सुने और हमें पानी की दस्तयाब दी जाए। मोहम्मद यूनस बलोच, समाजी कारकुन हूँ मैं। क्वेटा में किल्लत आब खसूसन गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो यहाँ पे टैंकर माफिया की भरपूर अंदाज में हौसला अफजाई की जाती है। अगर टैंकर माफिया को छोड़कर सरकारी ट्यूबवेलों की हालत देखी जाए तो 75% ट्यूबवेल इस वक्त तक ख़राब पड़े हुए हैं। कोई उनके लिए फ़ंड नहीं होता, कोई क्या नहीं होता, और जिसकी वजह से लोग परेशान। क्वेटा शहर में ये अदालत के करीब एक ही फ़िल्टर शुदा पानी मिलता है। छिजाए के क्वेटा एक बड़ा शहर बन गया है, पानी की किल्लत है। लोग आप अगर बैरूने क्वेटा चक्कर लगाएं तो आपको कुछ और ही मामलात नज़र आएंगे। बारिशें भी नहीं होती जिसकी वजह से सतह आब नीचे गिर गई है। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि कम अज़ कम बुनियादी ज़रूरियात ही चीज़ जिसमें पानी सबसे लाजमी है उसको लोगों तक पहुँचाए, यही आवाम की खिदमत है। हमारी तवक्को है कि सरकार जो है न इस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देगी। मेहरबानी यार, इस वजह से कि हम लोगों को तकलीफ़ात बहुत है। हम लोगों को किलियों में भी लगे हुए हैं ट्यूबवेल, मगर हमें पानी नहीं मिल रहा है। 1500 का टंकी ले रहे हैं हम लोग, तो जहाँ भी हम लोग के लिए गवर्नमेंट ने जब टंकियाँ जब ट्यूबवेल लगाया उनमें भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो आप मेहरबानी करें, ये जो वासा वाला है जो भी है इनको इतला करें, हमारे जो मजबूरियात है हमारे मुश्किलात है आसान करें। सर सरकारी है, सारे सरकारी है, हमें उसकी वजह से भी पानी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से पानी नहीं मिल रहा है। हमारे किले में 4-5 ट्यूबवेल लगाया सरकार ने, मगर हमें पानी फराहम नहीं हो रहा है। मसला है मिलता नहीं है, हमें ट्यूबवेल चल रहा है पानी नहीं मिलता है। मेरा मतलब है कि हमारे जो किलियों में लगे हुए हैं जो ट्यूबवेलें लगे हुए हैं, तो आप मेहरबानी करें इनको हमारे सहूलत है जो गवर्नमेंट ने लगाया है तो इनको बहाल कर दे सर।